अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग ज्योग्राफी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, बहरी रुओं के असबाब, कॉजेज ऑफ ओशन करंट्स। हम देखेंगे कि बहरी रुएँ किस वजह से पैदा होती हैं। ठीक है, नंबर वन आप लोग देखें, दायमी हवाएँ यानी परमानेंट विंड्स, ऐसी हवाएँ जो मुसलसल चलती रहती हैं, ठीक है, उसको हम लोग दायमी बोलते हैं। समंदरी पानी की हरकत का सबसे बड़ा और अहम सबब हवाएँ हैं। हवाएँ जिस सिमत में चल रही हों, समंदरी पानी भी इसी सिमत में हरकत शुरू कर देता है। उन्होंने कहा कि सबसे जो पहली वजह है वो क्या है कि हवा है, जिस तरफ हवा मूव करती रहती है, अगर किसी जगह पे मुसलसल एक ही डायरेक्शन में एयर मूव कर रही है, दायमी हवाएं चल रही हैं और एक ही डायरेक्शन में है, तो जो समंदर का पानी है वो भी उसी डायरेक्शन में जो है वो मूव करेगा। मसलन तजारती हवाएँ शुमाली निस्कुरा में शुमाल मशरक और जनूबी निस्कुरा में जनूब मशरक से चलती हैं। क्या उन्होंने बताया आप लोगों को, शुमाली निस्कुरा क्या है आप लोगों के पास? सौदर्न हेमिस्फेयर। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो, एक जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। ठीक है, तो ये है जनूबी निस्कुरा और ये है शुमाली निस्कुरा। तो उन्होंने बताया कि शुमाली जो निस्कुरा है यानी जो ये वाला पार्ट है, इसमें हवाएं चलेंगी शुमाल मशरक की तरफ से, और जनूबी निस्क जो कुरा है उसमें हवाएं चलेंगी जनूब मशरक की तरफ से। तो इनकी जो है वो जब हवाएं इस तरह से मूव करेंगी तो समंदर का पानी मशरक से मगरिब की तरफ बहना शुरू कर देता है। इस तरह मगरबी हवाओं के ज़ेर असर समंदर का पानी मगरिब से मशरक की तरफ हरकत करता है। तो जिस जगह पे इधर मशरकी हवाएं चल रही थी दोनों साइड पे, तो मशरक से जो है वो मगरब की तरफ पानी बह रहा है। इसी तरह अगर किसी जगह पे मगरबी हवाएं चल रही हैं, मगरब वाली साइड से एयर आ रही है, तो उधर पानी का बहाव किस तरह से होगा? मगरब से मशरक की तरफ उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, जिस तरफ यानी हवा की डायरेक्शन होगी उसी तरफ पानी की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। नंबर टू है हमारे पास समंदरी पानी की नमकीनियत, सेलिनिटी ऑफ द ओशनिक वाटर। समंदरी पानी की हरकत का एक सबब नमकीनियत का फ़र्क है, यानी नमकीनियत से मुराद है साल्ट, कितना साल्ट प्रेजेंट है। तो उस ये भी एक वजह बनती है पानी की जो है वो हरकत की। खुश्की में गिरे छोटे समंदरों में नमकीनियत ज़्यादा होने की वजह से पानी की कसाफत ज़्यादा होती है। अब जो जिनकी चारों तरफ जो है वो खुश्की वाला जो है वो ड्राई लैंड है, और समंदर जो है वो छोटे साइज़ के हैं, उनके अंदर सॉल्ट जो है वो ज़्यादा पाया जाता है। ज़्यादा सॉल्ट होने की वजह से उनकी जो डेंसिटी है, कसाफत, वो ज़्यादा हो जाती है, भारी हो जाते हैं। जबकि खुले और बड़े समंदरों में नमकीनियत कम होने की वजह से पानी की कसाफत कम होती है। जितना बड़ा समंदर होगा उसके अंदर उतना सॉल्ट जो है वो कंपैरेटिवली कम होगा। ठीक है, तो पानी के अंदर जो डेंसिटी है उसकी कसाफत है वो भी कम होगी। तो उन्होंने कहा कि नमकीनियत का ये फ़र्क भी पानी की हरकत का सबब बनता है, कि सॉल्ट ज़्यादा कम होना भी वजह बन जाता है कि पानी जो है वो मूव करता है। ठीक है, उसके अंदर बहरी रुएँ जो है वो पैदा होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है समंदरी पानी का दर्जा हरारत। समंदरी पानी की हरकत का एक अहम सबब दर्जा हरारत का फ़र्क है। दर्जा हरारत ज़्यादा हते अस्तवा पर दर्जा हरारत होने की वजह से समंदरी पानी की कसाफत कम होती है। उन्होंने कहा कि हते अस्तवा यानी जो इक्वेटर है, आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि ज़मीन को एक इमेजिनरी लाइन सेंटर में दो हिस्सों में डिवाइड करिए, उसे हम इक्वेटर बोलते हैं। उधर टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है, तो पानी की जो कसाफत है वो डेंसिटी कम होती है। जबकि कुतबी इलाकों में यानी जो पोल्स पे एरियाज़ हैं, पोल्स में मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में समझा दिया था कि बिल्कुल जो एंड्स वाले पार्ट हैं, ठीक है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, कुतब यहाँ पर लिखा हुआ है, जो कुतबी इलाके हैं उनमें दर्जा हरारत बहुत कम होता है। ठीक है, ज़्यादातर ग्लेशियर्स वगैरह उधर होते हैं, आइसबर्ग्स होते हैं, तो उसमें जो है पानी की कसाफत ज़्यादा होती है। लिहाजा हते अस्तवा पर पानी ऊपर उठता और कुतबी इलाकों में पानी नीचे बहता है, जो बहरी रुओं के चलने का सबब बनता है। ठीक है, जब जिन जगहों पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ पर पानी जो है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, जबकि जिन इलाकों में पानी जो है वो टेम्परेचर बहुत कम होगा, सर्दी होगी, वहाँ पानी जो है वो नीचे की तरफ बहेगा। तो इस तरह से जो है पानी की बहने की वजह से बहरी रुएँ जो है वो पैदा होंगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों के पास मदोजज़र, उसको हम इंग्लिश में टाइड्स बोलते हैं। चलिए इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। समंदरी पानी की सतह में एक तसलसल से उतार चढ़ाव पैदा होता है। दिन में दो मरतबा साहिल समंदर पर चढ़ाव और दो मरतबा उतार होता है, इसे मदोजज़र कहते हैं। समंदर के अगर आप कभी आप लोगों ने ऑब्ज़र्व किया होगा ये कि समंदर का जो पानी है उसके ऊपर जो है वो बड़ी बड़ी लहरें पैदा होती हैं। कभी वो ऊपर की तरफ ऐसे मूव करता है, बहुत ऊंचा चला जाता है, और कभी कभी जो है वो उसके अंदर जो है वो नीचे नीचे उसकी लहरें रहती हैं। तो इसको हम जो ऊपर जाने को कहते हैं चढ़ाओ, और नीचे जब वो आ रही होती हैं उसको उतार बोलते हैं। अब जब भी समंदर के अंदर इस तरह का फिनोमिना हो रहा होता है कि जो है वो बड़ी बड़ी लहरें इस तरह से प्रोड्यूस हो रही होती हैं, पानी कभी ऊपर की तरफ मूव करता है कभी नीचे हो जाता है, तो इस फिनोमिना को बोलते हैं मदोजज़र। क्या मदोजज़र की बुनियादी वजह चांद की कशिश है। इस हकीकत को न्यूटन ने 17वीं सदी में नज़रिया कशिश शक्ल से साबित किया। न्यूटन के मुताबिक हर दो जामे फल की बाहमी कशिश रखते हैं।
अब मतलब जो है कि वजह क्या है, चांद वजह है, किस तरह से वजह है कि न्यूटन ने 17वीं सेंचुरी में कहा था कि एक जो है वो लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स पेश किया था। उसने कहा था कि जितने भी जो प्लैनेट्स हैं इनके दरमियान में आपस में कशिश पाई जाती है, यानी नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपस में दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। अट्रैक्शन ज़्यादा कम हो सकती है लेकिन अट्रैक्शन लाजमी पाई जाती है। तो अब क्या होता है, इस नज़रिए के मुताबिक चांद जो ज़मीन के नज़दीक तरीन हमसाया है, छोटे हजम के बावजूद सूरज के मुकाबले में ज़मीन पर मदरजे पैदा करने का सबसे अहम ज़रिया है। अब क्योंकि हमारे अर्थ के जो है वो पास सबसे ज़्यादा जो है वो क्लोज मून ही है, ठीक है, जो उसके सर्कल में उसके ऑर्बिट में मूव करता रहता है, तो उसके उनका साइज अगर से छोटा है ज़मीन के मुकाबले में, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत जो है वो कशिश पैदा होती है। उसकी वजह से जो है वो मदोजज़र ये जो ऊपर नीचे पानी का उतार चढ़ाव होता है वो पैदा होता है। सूरज चांद के मुकाबले में ज़मीन से 390 गुना ज़्यादा फासले पर मौजूद है। यही वजह है कि ज़मीन पर सूरज की कशिश चांद की कशिश का तकरीबन 40% है, ठीक है। सूरज साइज़ में बहुत बड़ा चांद से, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है तो इसलिए उसका जो असर है वो चांद के मुकाबले में 46% है, ठीक है। यानी कम असर होता है ज़मीन पे सूरज का एज़ कम्पेयर टू मून। मून का असर ज़्यादा क्योंकि वो क्लोज है। रोज़ाना और महाना के अतबार से मदरजर की दो इकसाम हैं, टोटल 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी हैं? रोज़ाना के मदरजर में पानी का उतार चढ़ाव दिन में 2 मरतबा 12 घंटे 25 मिनट के वक्फे से नमूदार होता है। एक मदरजर ऐसा है जो रोज़ाना रोज़ की बुनियाद पे हो रहा है। कब कब हो रहा है? दिन में 2 मरतबा होगा 12 घंटे और 25 मिनट के वक्फे के बाद। ज़मीन पर चांद की कशिश का सबसे ज़्यादा असर इस हिस्से पर होता है जो महवरी गर्दिश के दौरान चांद के सामने होता है। अब सबसे ज़्यादा चांद का असर किस पार्ट पे होगा? जो हिस्सा रोटेट करता हुआ जो है वह ज़मीन का चांद के बिल्कुल सामने वाले हिस्से में आ जाएगा, ठीक है। महवरी गर्दिश करता हुआ जब ऑर्बिट में वो मूव कर रहे हैं, तो जब जो पार्ट ज़मीन का सूरज के चांद के बिल्कुल सामने है उस पार्ट पर ज़्यादा उसका असर होगा, जबकि दूसरी तरफ ऐसा सबसे कम होगा। मगर मरकज़ ग्रेस कुवतें सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस दूसरी तरफ भी इस असर को सामने वाले हिस्से से मतवाजी रखती हैं, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जो हैं वो क्या करती हैं कि जो दूसरे हिस्से में है जहाँ पे कम असर हो रहा है, जो साइड अपोजिट साइड पे चला गया, उधर भी वो कोशिश करती हैं कि वो जो दोनों तरफ जो एक उतार चढ़ाव है वो मतवाजन रहे, बैलेंस रहे। और यूँ एक वक्त में मदरजर का असर ज़मीन की दोनों तरफ बराबर होता है। यानी अगर चांद की कशिश ज़्यादा होती है ज़मीन के सामने वाले हिस्से पे, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस की वजह से क्या होता है कि उसके ऑपोजिट साइड पे भी बिल्कुल वैसा ही बैलेंस रखा जाता है और दोनों तरफ जो है वो इक्वल जो है वो उतार और चढ़ाव जो होगा इक्वली होगा, ठीक है, एक जितना असर होगा दोनों पे। महाना मदरजर जो है वो 2 किस्म के आगे फर्दर, मदरजर अकबर और मदरजर असगर। इसमें इनका आप लोग देख लें, स्प्रिंग टाइड्स इनको बोलते हैं मदरजर अकबर को, और मदरजर असगर को नी टाइड्स बोला जाता है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मदरजर अकबर। ज़मीन सूरज के गिर्द और चांद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करता है। गर्दिश के दौरान कमरी महीने में 2 मरतबा ऐसा होता है कि चांद ज़मीन और सूरज एक ही लाइन में आ जाते हैं। ऐसा एक मरतबा चांद की पहली तारीख को, दूसरा जो है वो दूसरी मरतबा चांद की 14वीं तारीख को होता है। चांद और सूरज की मुश्तरका कशिश की वजह से समंदर में मामूल से ऊँची लहरें पैदा होती हैं, इन्हें मदरजर अकबर कहा जाता है। अब आप लोग डायग्राम में देखें, अभी आप लोगों को पता है कि सूरज के जो है वो गिर्द सारे जो प्लैनेट्स हैं वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से हमारे जो अर्थ है वो भी मूव कर रही है, और उसके अब हमारे जो अर्थ है उसके ऑर्बिट के अंदर चांद जो है वो मून रोटेट कर रहा है, सर्कुलेट कर रहा है और उसके ऑर्बिट में मूव कर रहा है। समटाइम ऐसा होता है कि मूवमेंट के दौरान में तीनों एक लाइन में आ जाते हैं, जैसे आप लोगों को डायग्राम में दिखाया गया है, ठीक है। ये तीनों जो है वो एक ही सीक्वेंस में आ गए हैं, यानी इसके इर्द गिर्द इस तरह से अर्थ मूव कर रही है, ठीक है, और ये जो चांद है ये ज़मीन के इर्द गिर्द इस तरह से मूव कर रहा है। तो इस तरह से मूवमेंट हुई है कि ये दोनों जो है तीनों जो हैं वो एक लाइन में आ गए हैं। अब क्या होता है कि इस तरह उन्होंने कहा कि हर चांद की पहली तारीख को 14वीं तारीख को होता है, और उसकी वजह से इनके आपस में जो कशिश है उसकी वजह से समंदर में बहुत ऊँची ऊँची जो हैं वो लहरें पैदा होती हैं, इन्हें मदरजर अकबर कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास मदरजर असगर। कमरी महीने में 2 मरतबा ऐसा होता है कि चांद और सूरज ज़मीन के साथ जाविया कायमा बनाते हैं। ऐसे चांद की 7वीं और 21वीं तारीख को होता है। दोनों की कशिश एक दूसरे पर असरअंदाज होती है और समंदर में मामूल से नीची लहरें पैदा होती हैं, इन्हें मदरजर असगर कहा जाता है। अब क्या होता है कि पहले आप लोगों ने पढ़ा था कि वो एक लाइन में आ जाते हैं, जबकि इस केस में आप लोग देखें डायग्राम में, नीचे वाले जो डायग्राम है उसमें जो है वो चांद की मूवमेंट इस तरह से है कि ये 90 का एंगल बना रहे हैं, देखें इस तरह से, या इस नीचे वाली जगह पे आएगा या ऊपर वाली साइड पे। जब ये 90 के एंगल पे आ जाएंगे तो उस दौरान जो है वो दोनों के दरमियान में आपस में अट्रैक्शन होगी, उस अट्रैक्शन की वजह से लहरें पैदा होंगी, लेकिन ये लहरें जो है वो मामूल से नीचे होंगी। यानी मतलब जैसे अकबर में आपने पढ़ा था कि लहरें मामूल से ऊंची होती हैं, ठीक है, और असगर बोलते हैं छोटे को, अकबर बोलते हैं बड़े को। तो इससे आपको याद रहेगा कि मामूल से नीचे लहरें पैदा होंगी, नीची लहरें होंगी, तो वो क्या कहलाएगा आपके पास? मदरजर असगर।
ठीक है। और कब होगा? जब चाँद जो है वो रोटेट करता हुआ 90 का एंगल जब बनाएगा अर्थ के साथ, तो उस टाइम पे। और ये होगा कब? हर महीने जो है वो चाँद की 7वीं और 21वीं तारीख को होगा। नेक्स्ट, लेकिन लहरों और बहरी रूहों में मद जजर में फ़र्क। लहरें पानी के ऊपर नीचे आगे पीछे हरकत है। हवाओं, गिरदबाद और जल्जलों की वजह से पानी की पुरसकून हालत में तलातम पैदा होता है, जो लहरें पैदा करने का अहम सबब है। अच्छा, अब लहरें क्या है कि जब भी पानी ऊपर नीचे मूव करता है, इसके अंदर कोई मूवमेंट पाई जाती है, तो हम कहते हैं कि इसके अंदर लहरें प्रोड्यूस हो रही हैं। जब हवाएं समुद्री पानी के एक महसूस हिस्से को एक सिम्त में चलाना शुरू कर देते हैं, इस हरकत को बहरी रूह के नाम से पुकारा जाता है। जबकि बहरी रूह क्या चीज़ है? कि जब एयर की वजह से समंदर का जो पानी है वो किसी एक डायरेक्शन में मूव करता है, खास सिम्त में चलना शुरू हो जाता है, तो उसको फिर हम बहरी रूह का नाम देते हैं। जबकि मद जैसे समंदरी पानी में तसलसल से पैदा होने वाले वो उतार चढ़ाव हैं जो चांद की कशिश की वजह से रोनमा होते हैं। जबकि मद जजर क्या है? इन दोनों से टोटली चेंज है। हर महीने एक खास टाइम पे आके ये होंगे और उसमें भी जो है वो पानी में उतार और चढ़ाव का, ठीक है, और इसका एक सीक्वेंस होगा। मतलब जैसे आप उन्होंने पढ़ा है अकबर में 1वीं और 14वीं तारीख को, और उसमें 7वीं और 21वीं तारीख में जो है वो एक खास जो है वो टाइम पे इसमें पानी के अंदर एक जो है वो उतार चढ़ाव पाया जाएगा, इसको मद जजर बोलते हैं। इसके बाद आप लोग आ जाएँ एक्सरसाइज पे। इंग्लिश मीडियम जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं वो भी साथ ही मार करेंगे। कशिश शक्ल का नज़रिया पाकिस्तान पेश करने वाले साइंसदान का नाम है न्यूटन, ठीक है। इंग्लिश वाले भी न्यूटन को टिक करेंगे। सतह ज़मीन पर पानी का सबसे बड़ा किता क्या कहलाता है? बहर। सेकंड वाले का आपके पास बहर, फर्स्ट वाले का था न्यूटन। उसके बाद है आप लोगों के पास बहरा ओकियानूस को बहरा रोम से मिलाती है, इसमें आप लोग करेंगे आप नए जबल तारिक, ठीक है। और जो इंग्लिश मीडियम वाले उनका लिखा होगा जिब्राल्टर स्ट्रेट, ठीक है, उसको टिक करेंगे। चांद ज़मीन और सूरज एक लाइन में होते हैं, चांद की 1वीं और 14वीं तारीख को, ठीक है। 1st और 14th जो डेट है इंग्लिश मीडियम वाले उनकी इंग्लिश में लिखा होगा, वो उसके साथ ये वाला टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए, लहरें जो टूट कर जाग बन जाती हैं कहलाती हैं, इसमें है सर्फ, और इंग्लिश में भी इसको सर्फ ही बोलते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश वाले बच्चे भी साथ ही मार्क करेंगे। अब आप लोगों की एक्सरसाइज में जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं मैं आप लोगों को करवाऊँगी। आप जो उर्दू मीडियम जो उर्दू में पढ़ रहे हैं बच्चे, उनको मैं नोट्स सेंड करूँगी, उसके अकॉर्डिंग वो करेंगे काम, ठीक है। और मैं मार्क करवाऊँगी इंग्लिश की बुक से। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसके फर्स्ट टू क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, राइट डाउन द कॉजेज ऑफ सर्कुलेशन ऑफ ओशन करंट्स। ओशन करंट्स की कौन सी वजूहत होती हैं, ठीक है, आपने ये बताना है इसमें। इसके लिए आप लोग पेज नंबर 27 पे, ठीक है, आप लोगों के पास हेडिंग बनी हुई कॉजेज ऑफ ओशन करंट्स, इधर से आप लिखना स्टार्ट करेंगे। और बिल्कुल एंड में जहाँ तक मैंने मार्क किया हुआ है ग्रेटर डेंसिटी, यहाँ तक आप लोग करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देखें, राइट अ नोट ऑन स्प्रिंग एंड नीव टाइड्स। इसके आंसर के लिए आप लोग आ जाएं पेज नंबर 28 पे, ठीक है। इधर हेडिंग दी हुई है स्प्रिंग टाइड्स, इधर लिखना स्टार्ट करेंगे आप लोग। स्प्रिंग टाइड का कंप्लीट लिखेंगे और नीव टाइड्स भी, और साथ आप लोग आप ये दोनों डायग्राम्स भी बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखें, राइट डाउन द कॉजेज ऑफ वेव्स। वेव्स की क्या वजूहत होती हैं, ये आप लोगों ने बताना। इसके लिए आप लोग आ जाओ पेज नंबर 26 पे, ठीक है। और आप लोगों ने स्टार्ट करना है, सबसे पहले आप लोगों ने वेव की हेडिंग देनी है, ठीक है। स्टार्टिंग से लिखेंगे आप लोग ट्रफ तक, साथ ये वाली डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद आप लोग जो नीचे पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को इसके ऊपर आप हेडिंग बनाएंगे कॉजेज की, ठीक है। और कॉजेज की हेडिंग देने के बाद आप ये सारा कंप्लीट लिखेंगे, ठीक है। ये आप लोगों का आंसर है लास्ट। अब आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देखें। फर्स्ट है आपके पास व्हाट इज मेंट बाय वेव, इसका आंसर आप लोग करेंगे पेज नंबर 26 पे। हेडिंग नहीं आप लोगों ने देनी, जस्ट आप लिखेंगे द मूवमेंट ऑफ द सरफेस वाटर इज कॉल्ड वेव, ठीक है। इतना लिख लें, इतना भी इनफ है। ये हो गया आपके पास वेव की डेफिनेशन। उसके बाद आप देखें सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास डिफाइन टाइड्स, इसका आप लोगों ने करना है पेज नंबर 27 पे है आपके पास। दिस इज अ कंटिन्यूस राइज एंड फॉल इन द सी लेवल, ट्वाइस अ डे द लेवल rises and twice are there the levels falls as well, this is called tides, ठीक है। ये आप लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन में लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों के पास डिफ्रेंशिएट बिटवीन ओशन एंड सी, ओशन एंड सी में क्या फ़र्क है, इसका आप लोग करेंगे फर्स्ट पेज पे। ओशन एंड सीज की हेडिंग दी हुई है, हेडिंग चाहे दे लें इसमें, कि इसमें आपसे दो बातें पूछी हुई हैं, तो आप हेडिंग देख के लिखें, इधर से लेके आप लोग लिखेंगे इधर तक, ठीक है, सी तक।
उसके बाद नेक्स्ट देखें व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट एंड इसमस, इसके लिए आप लोग आ जाएं पेज नंबर 24 पे। स्ट्रेट क्या है आपके पास, अ नैरो पैसेज ऑफ द वाटर विच कनेक्ट्स द टू लार्ज बॉडीज ऑफ द वाटर डैट इज ओशन और सी इज कॉल्ड द स्ट्रेट, एग्जाम्पल गिवन स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ठीक है, यहाँ तक करेंगे स्ट्रेट की डेफिनेशन। फिर आप लोग करेंगे इसमस। ठीक है, इसमस क्या है, नैरो स्ट्रिप ऑफ द लैंड विच कनेक्ट्स द टू लार्ज मैसेज ऑफ द लैंड इज कॉल्ड इसमस, यहाँ तक करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप करेंगे व्हाट इज मेंट बाय ओशन करंट। ओशन करंट के लिए आप लोग आ जाएं पेज नंबर 27 पे, करंट्स की हेडिंग दी हुई है, इसके अंदर आप लिखना है द रिवर्स फ्लो ऑन लैंड सिमिलरली व्हेन द ओशन वाटर मूव्स परमानेंटली इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन इट इज कॉल्ड करंट। ठीक है, इधर तक आप करेंगे। ठीक है, हो गया सारे आपको शॉर्ट और लॉन्ग। ठीक है, अब आप लोगों का चैप्टर हो गया कंप्लीट। आप लोगों ने इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छी तरह से लर्न करना है। ठीक है, और इसे नीट कॉपीज पे नोट डाउन भी करना है। अल्लाह हाफिज़।